नारायणपुर के अबू झमाड़ में सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी तीन सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने जल जंगल जमीन की सुरक्षा, पेशा कानून लागू करने और अन्य अधिकारी अधिनियम में बदलाव को निरस्त करने की मांग की है। देर शाम ग्रामीण अपने पारंपरिक हथियारों, खाना पकाने के बर्तन और जलाऊ लकड़ी लेकर पुलिस के बैरिकेड तोड़कर जिला मुख्यालय पहुंचे। वहीं कलेक्टर अजित बंसल और एसपी पुष्कर शर्मा के आश्वासन के बाद ग्रामीण अपने गांव वापस लौट गए। जी हम लोग के कि उस समय कुंडला में आए थे तो हमारे बातें आगे तक रखने के लिए आए थे तो कलेक्टर साहब से मिल नहीं पाए, इसलिए उस समय नहीं मिले, इसलिए आज यहाँ सीधा नारायणपुर जाके अपनी बात कलेक्टर साहब से बात रखेंगे करके आए थे। हमारा मांगे ये है कि हमारा धरना में आके पुलिस को लोग धमकाना डराना करते हैं, सब नहीं करना है। और 1996 का पेशा कानून लागू है, उसका पालन करना है। और रूढ़ी पर तो ग्राम सभा नियमों को ग्रामीण आए थे, क्या किस तरह की आपसे बातें हुई, किस तरह की मांगे रखी, उनको क्या बताएंगे? ओरछा के अंदर के क्षेत्रों से जो ग्रामीण अपनी कुछ त्रिसूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पर आए थे और इन ग्रामीणों से पहले भी बात हुई है, लेकिन आज ये यहाँ पर आए थे और नारायणपुर में इनकी मांग थी कि ये अपना ज्ञापन कलेक्टर को देंगे, तो इसी संबंध में इनसे आकर बात की गई है। पेशा कानून में संशोधन और वन संरक्षण अधिनियम, इनके संबंध में जो इनकी मांगे हैं वो इनको समझाया गया है कि ये जो कानून में संशोधन है इसके लिए उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया जाएगा और कानून में संशोधन के जो तरीके हैं वो भी इन गाँव वालों को इनको बताया गया है कि इनकी मांग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन को भेज दी जाएगी। कुछ और मांग जो स्थानीय स्तर पर इनकी मांगे हैं उनके बारे में भी इनको यह बताया गया है कि जो भी कार्रवाई, ग्रामीण काफी दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे जिनसे हम कलेक्टर साहब और मैं खुद गांव में जाके भी मिला था, उसके पश्चात इनकी मांग थी कि यहां पे आके खुद कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे। इनकी जो मांगे हैं उनको सुना गया है यहां पर आके कलेक्टर साहब द्वारा, जिसमें पेशा कानून और वन संरक्षण अधिनियम में बदलाव के बारे में उन्होंने बताया है। तो इनको हमने सूचित किया है कि जो उचित माध्यम के थ्रू हम जो उच्च कार्यालय है उनको इसके बारे में हम सूचित कर रहे हैं और उस पर कार्रवाई होगी, और साथ ही साथ जो हमारे स्तर की बातें हैं जैसे कि कोई भी घटना में जो भी अनुसंधान है वो विधि पूर्वक हो और बिल्कुल सही तरीके से ही गिरफ्तारी और सब जो हम करते हैं उस चीज को इनको समझाया गया और बताया गया है, और आगे भी हमने इनको विश्वास दिलाया है कि कोई भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल विधि के अनुसार होगी। सर हम लोग तीन सूत्री मांगों को लेकर आए थे और धरना प्रदर्शन द्वारा और बहुत दूर दूर से मार क्षेत्र से सब आए थे और 29 पंचायत है और 80 गांव के लोग, और हम तीन सूत्री मांग लेके आए थे। और पहला सूत्री पैसा कानून 1996 में सरकार लागू किया था और इसका पालन नहीं कर रहे, ताकि पालन कर सके बोल के हम लोग धरना द्वारा आए थे। और दूसरा सूत्री वन संरक्षण अधिनियम 2022 को हमें रद्द करना है, और तीसरा मार क्षेत्र में नया पुलिस कैंपों को जो प्रस्तावित है उन्हें हमें रद्द करना है। और आपसे क्या बात हुआ, आपसे बात हुआ कि साहब बोले